आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। लाइट मेट्रो का गोरखपुर में जल्द ही कार्य किया जाएगा प्रारंभ। शासन व केंद्र सरकार से DPR की मिल चुकी है हरी झंडी। ZDO उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा कर्मियों पर हमले का आरोपी मुर्तजा अब्बासी के हाथ का ऑपरेशन सकुशल हुआ संपन्न। मंदिर में हमले के बाद गिरफ्तारी में हुआ था हाथ फ्रैक्चर। गुरुवार को चेकअप के बाद मुर्तजा अब्बासी को जिला जेल में किया जाएगा शिफ्ट। गोरखपुर के महायोजना को पास करने के लिए 22 अप्रैल को मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड की होगी बैठक। ZDO उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने पादरी बाजार स्थित मोहल्ला शिवपुर शहबाजगंज में लगाया चौपाल। कहा, अधिकतर मामले आए जल निकासी विद्युत से संबंधित। मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। ZDA के कार्यालयों का मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने किया औचक निरीक्षण। ZDA के द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों को बारिश से पहले पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। राहगिरी डे की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। महिलाओं की समस्या के समाधान के लिए राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने विकास भवन के सभागार में लगाया जन सुनवाई व जागरूकता चौपाल। फरियादियों की सुनी फरियाद। समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। गेहूं के खेतों में हुए अग्निकांड से हुए नुकसान के लिए जिला प्रशासन किसानों को उपलब्ध करवाएगा सहायता राशि। सभी तहसीलों को अपने अपने क्षेत्र का रिपोर्ट बनाकर जिला प्रशासन को पेश करने के लिए दिए निर्देश। घरों से निकलने वाले दूषित पानी को साफ करने के लिए ZDA 20 MLD क्षमता का लगाएगी STP प्लांट। 20,000 परिवारों को मिलेगा लाभ। ZDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। रामगढ़ताल के पास सुरमय गोरखपुर कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जन्मजात बच्चों के टेढ़े मेढ़े पैर को जिला अस्पताल में प्लास्टर करके किया जा रहा है सीधा। हर बुधवार बच्चों के गार्जियन जिला अस्पताल आकर निशुल्क करा सकते हैं अपने बच्चों के टेढ़े मेढ़े पैर का इलाज।